नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये जो कचरा है इसको हम खाद बनाएंगे, वर्मी कंपोस्ट। तो आप देख सकते हैं, नमस्कार दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये है हमारे छिलके, जो फल और सब्जी दोनों के छिलके हैं, जिनको मैं कलेक्ट करती हूँ और उससे मैं कंपोस्ट खाद बना देती हूँ। इनको डिकम्पोज हो जाते हैं, ये करीब 2.5 महीने के अंदर हो जाते हैं, और उससे बहुत ही शक्तिशाली खाद जो कि बहुत ही प्योर होती है, वो बन के तैयार हो जाती है। इसमें सभी तरह के आप छिलके डाल सकते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, ये प्याज के छिलके, संतरा के, केला के, आलू के छिलके, खीरा के, कोई भी डाल सकते हैं। अगर आप एग वगैरह खाते हैं तो एग के जो छिलके होते हैं वो भी डाल सकते हैं आप उसमें। बस आपको पका हुआ खाना इसमें नहीं डालना है और बीज भी नहीं डालने हैं, और इससे बहुत ही अच्छी खाद बन के तैयार हो जाएगी आपकी। देख ही रहे हैं आप, तो मैं तो यही खाद देती हूँ, इसी तरह की बनी हुई खाद, जो कि बहुत हमारे प्लांट को अच्छा हरा भरा और कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाती है, और बहुत ही फ्री में आपकी खाद तैयार हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारी तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जो फूल है, ये मैं ये वाली खाद देती हूँ, और एक सरसों की खली का लिक्विड खाद, बस दो ही मेरे ये चलते हैं। और देखिए कितने अच्छे फूल आए हुए हैं, ज़्यादा महंगी खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हम उसके अंदर डालते हैं, क्या क्या करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों कंटेनर में मैं बनाती हूँ, तो इस टाइम ये इसमें तो पूरी, ये देख रहे हैं आप, ये बन रही है, पूरा फुल हो चुका है। तो अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आपको दिखा रही थी। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये बनी हुई कंपोस्ट है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों बनी हुई हैं और ये मैंने खुद बनाई है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हम, उसके बाद आप कोई गत्ता या सूखे ये भी डाल सकते हो साथ में, और ये जो जितनी भी खाद है इसको आप पूरी को, ये जो छिलके हैं इनको आराम से डालना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सारे होल्स कर रखे हैं चारों तरफ और नीचे भी, और ये प्लेट रखी है, ये देखिए, ये वाली प्लेट पानी से इसके जो लिक्विड निकलता है इसको भी आप छान के अपने पौधों में डायरेक्ट दे सकते हो। उसके अंदर थोड़ा 10 गुना पानी मिला के और आप दे सकते हो। देखिए, इसको भी मैं अब इसके अंदर डाल देती हूँ, ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो अगर आप इनके छिलकों के जो टुकड़े अगर छोटे छोटे कर लेंगे तो और अच्छा है, अदरवाइज़ ऐसे भी आप रख सकते हो, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है उसमें। और ये इसको आपको हर 2-4 दिन में अगर आप इसे हिलाते रहेंगे इस तरह से, यूं हिला दीजिए, या फिर डिब्बे को पकड़ के, इसका ढक्कन है और इसको ऊपर नीचे अगर आप कर देंगे तो ये खाद जल्दी बनती है। ये देखिए मेरी ये खाद तैयार है, और इसके बाद ये तो है ही, और सीधे डालते जाते हैं इसमें, फटाफट बन जाती है। ओके बाय दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।